हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आशीष का स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टेक्निकल गेम में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा फाइबर की एक गिग होगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही नॉलेजेबल चीज होने वाली है। इसमें बहुत ही लो कॉम्पिटिशन है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। आप जैसे कि जानते हो कि डाटा एंट्री वगैरह का अपन वर्क करते हैं फाइबर पर, तो उसमें बहुत सारा हाई कॉम्पिटिशन होता है। जैसे कि एक डाटा एंट्री की फील्ड अपन लेते हैं, उसमें 50,000 से ऊपर ही गिग होंगी वहां पर। तो यहाँ पे मैं आज जो आपको कीवर्ड वगैरह बताऊंगा, तो उसमें आपको बहुत ही कम गिग होगी, और इसके साथ ये फ्री टूल बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो और कैसे वो काम करके दे सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर आपको मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको क्या कीवर्ड सर्च करना और क्या करना है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इधर एक कॉम्पिटेटिव कीवर्ड बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डाटा एंट्री, ठीक है। मैंने डाटा एंट्री सर्च किया, आप पहले इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी। यहाँ पर आपको मुझे 52,000 के प्लस आपको गिग मिल रही है, तो आप इसमें रैंक करना मतलब कि अब तो नामुमकिन सा हो चुका है, मतलब आपको रैंक करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है, आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो और भी, पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर सर्च करो फेस, ठीक है, आप फेसबुक और यहाँ पर लिख दो कवर, ठीक है, ये स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया। तो यहाँ पर अगर देखो फेसबुक कवर, तो फेसबुक कवर होता क्या है, आपको जैसे कि पता होगा कि आप कहीं पे भी पेज पर जाते हो, या बैनर बोल सकते हो, आप कहीं किसी के पेज पे गए, या फिर आपकी जो खुद की प्रोफाइल होती है, तो वहां पर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर एक कवर फोटो आती है, जो बिल्कुल ही या हॉरिजॉन्टली में बहुत ही, जैसे कि लेंथ में हॉरिजॉन्टली उसकी विड्थ बहुत ही ज्यादा होती है, उसकी लेंथ थोड़ी सी कम रहती है, तो इस तरीके की होती है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक इमेज है जिसको अपन बैनर इमेज कह सकते हैं और कवर इमेज कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो चार्ज कितने कितने लोग करते हैं। आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल फेसबुक कवर बैनर डिजाइन, ठीक है। प्रोजेक्ट कितने मिले इसको, 325। यहाँ पर पहले कॉम्पिटिशन भी बता देता हूँ, देखिये 3,159, यानी कि उसके कंपेरिजन में ये बहुत भी लो आ गया, यानी कि 5% से भी नीचे आ गया। अगर अपन उसकी कंपेरिजन करें अपने अगर उसकी कंपैरिजन करें अपन डाटा एंट्री या लीड जनरेशन इस तरह की कोई गिग हो तो उससे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही इजी है। और ये देखो जैसे कि कैसे बनाना होता है बैनर, यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक कवर कवर। मैं आपको थोड़ा सा इसकी एग्जैक्ट रिजोल्यूशन साइज कैसे कुछ कर सकते सारा बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया, ये बैनर होते है, ठीक है, या वीडियो बैनर, वो भी मैं आपको कभी एडवांस में आगे सिखाऊंगा, पर मैं आज आपको सिंपल बैनर बनाना सिखा देता हूँ। देखो $10 और 24 आवर में करेगा, ये कैसे कर सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ही फटाफट, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि लो कंपटीशन है, तो रैंक करना भी इसमें आसान है। यहाँ पर प्रोजेक्ट की देख लो, प्रोजेक्ट की डिमांड देख लो, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो भी रैंकिंग में ऊपर है, देखो 325, यहाँ पर 1K 1K, 144, 641, 425, 364, इसी के साथ 1K, मतलब कि इस स्किल की डिमांड तो है, पर यहाँ पर देख लो 1K, ठीक है, 138, 17 वाला भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रैंक हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि फेसबुक का कवर कैसे बना सकते हो। आप यहाँ पर जाओ, न्यू टैब ओपन करो, कैनवा, मोबाइल से भी कर सकते हो, कैनवा का ऐप आता है, गूगल प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड करो, इसको यूज करो, ठीक है। कैनवा पे आए, क्रिएट डिजाइन पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो YouTube थंबनेल, YouTube, ये तो मैं इसको यूज करता हूँ, फेसबुक कवर, ठीक है, आ रहा है, कंप्लीट दिख रहा है आपको, क्लिक करो इस पर, ओपन हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे कुछ करना रहता है, बहुत ही इजी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, अब इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो कुछ आपको डायरेक्ट डिजाइन मिलती है, इसको यूज कर सकते हो, यानी कि ये फ्री डिजाइन है। जैसे ये बर्थडे फेसबुक कवर है, उसके बाद या ब्यूटी फेसबुक कवर है, समर फेसबुक कवर है, और उसके बाद मेकअप, स्प्रिंग, वेडिंग, तो वो अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें मोर पर आप क्लिक कर सकते हो, जो जो भी फ्री है आप उनको यूज कर सकते हो। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जहां पर भी आप क्लिक करोगे वो चीज आप एडिटिंग कर सकते हो। देखिए मुझे कलर चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक किया,
येलो पर क्लिक कर दूंगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये येलो पर हो गया, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका कलर मेरे को चेंज करना है। कलर के आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ, वो वहां से भी कर सकते हो, या कंट्रोल जेड का भी वापिस आ जाता है। यहाँ पर आप डबल क्लिक करो तो ये एडिटेबल हो जाता है। यहाँ से इसको पकड़ के मैं अपना नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। एक तरीका हो गया ये, आप कस्टम बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट, ये देखो ये बिल्कुल ही जीरो हो गया। तो यहाँ पर आपको कस्टम बनाने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से एक फोटो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट आपको कुछ इमेज देता है तो यहाँ पर आप अपलोड करोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, एलिमेंट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एलिमेंट्स मिल जाएगा, जैसे कि रेक्टेंगुलर हो गया, कोई भी साइज शेप वगैरह, छोटे मोटे इमेज, या आप डायरेक्ट बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हो। साथ ही टेक्स्ट में आपको ये मिल जाएंगे, और टेक्स्ट में आपको यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करके एक टेक्स्ट लिखोगे, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरा नाम लिखा, आप यहाँ पर आपको फॉन्ट देख सकते हो कि बहुत ही फॉन्ट एडवांस फॉन्ट मिलेंगे, कुछ प्रीमियम होंगे, मैक्सिमम प्रीमियम होंगे, पर आप फ्री वाले भी इतने एक्यूरेट होते हैं तो आप इनको यूज कर सकते हो। एक हो गया ये, अब मैं इसको कट करता हूँ क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। ठीक है, आप दूसरा और बताता हूँ कहाँ से बना सकते हो। एक आपको सर्च करना है फोटोपिया, ठीक है, फोटोपीए, ठीक है, फोटोपिया.com। एक ये बहुत ही अच्छी साइट है, फोटोशॉप का आप ऑनलाइन वर्जन जो है वो ये है फोटोपिया। तो आप इसको आसानी से यूज करके, बहुत सारे हैं, पिक्सेल आर करके है, पिक्सेल एक्स करके है, वो पिक्सेल आर में ही आते दोनों, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, फ्री टेम्पलेट, डेमो वगैरह सब कुछ। मैं न्यू प्रोजेक्ट पर एक बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेसबुक पेज कवर, आप यहाँ से फेसबुक पेज कवर पर क्लिक करोगे, फेसबुक शेयर्ड इमेज, ठीक है, उसके बाद FB इवेंट इमेज। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। ये सोशल का है, ये प्रिंट में जाओगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये अपन एक बार यहाँ सोशल पे FB पेज कवर पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे कि आपने FB पेज कवर पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट दिख रही है, जैसे कि ये है, ये है, तो आप बहुत सारी इसमें यूज कर सकते हो। आपको जो पसंद आए आप इसमें से यूज कर सकते हो। और अब भी आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आप इसको थोड़ा विजिट करो, सारा ही मैं बता दूंगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए थोड़ा इसको विजिट करो और अपने अकॉर्डिंग खुद देखो, क्योंकि हर चीज अगर मैं बताने लग गया तो आप नहीं करोगे, जैसे कि वो उन चैनल जैसे हो जाता है। छोड़ो, कभी बाद में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में यही था, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसको इस तरह से करना है। और ये आप फेसबुक कवर सर्च कर सकते हो, फेसबुक बैनर सर्च कर सकते हो, तो आप मल्टीपल कीवर्ड जैसे कि फेसबुक कवर डिजाइन, फेसबुक कवर फोटो, फेसबुक कवर वीडियो प्रोफेशनल। तो वीडियो के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैं आपको एक सिखाऊंगा वीडियो बनाना, कैसे बना सकते हो आप। फिल्मोरा पूरा वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल यूज करेंगे, पूरा कोर्स बनाऊंगा उस पर, बिगनर से लेकर एडवांस तक। तो अगर आपको वो सीखना हो तो कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने किस तरह से यहाँ पर काम किया, हमने किस तरह से कैनवा का यूज किया, किस तरह से अपन फोटोपिया का यूज कर सकते हो, साथ ही साथ फोटोशॉप, तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए, आप इनसे आसानी से कर सकते हो। बहुत ही लो कॉम्पिटिशन है, तो आप इसको करो और अर्निंग अपनी स्टार्ट करो, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।